हेलो एवरी वन वेलकम टू फिलोफॉम फॉर्म आई होप आप सभी अच्छे होंगे और क्लास में जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे आप सभी का फिलोफॉम फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास भी एम पर ही होगी और अभी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो चल रही है तो और बहुत अच्छा लगा देख करके कि आज जो स्टूडेंट्स हैं पहले से आके वेट कर रहे हैं वेरी नाइस रूपाली जी ज्योत्सना जी रोहित कुमार जी प्रियंका जी गुंजन जी प्रीति जी तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबको गुड इवनिंग है और गुंजन जी मैं बढ़िया हूँ आप सभी बताइए कि आप लोग कैसे हैं और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आके वेट करने लगते हैं और हम जैसे ही क्लास शुरू करते हैं इतने सारे सबके विशेज होते हैं तो बहुत ही खुशी होती है चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है अंजलि जी ले लखन जी वेरी गुड इवनिंग थोड़ी देर हम वेट करते हैं हमेशा ही कि बाकी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आ जाएं और आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दूं कि जो इंग्लिश की क्लास है जो सी uh, की जो इंग्लिश की जो है उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है क्लास की पहले आपकी एक बजे मैडम लिया करती थी सुखवंती मैम तो वो जो है अब टाइम चेंज होकर के आ, आपकी मेरे क्लास के जस्ट बाद मतलब सात बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी अंजलि जी बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं इंग्लिश और मैथ्स में मन नहीं लग रहा है क्या करेंगे देखिए एग्जाम के पहले कई बार होता है ऐसा कि किसी किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल पूरा पढ़ाई का ही बर्डन मत लीजिए अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती है जैसे थोड़ा खेलिए बाहर निकल के बैडमिंटन खेलिए क्रिकेट के शौकीन हैं तो क्रिकेट खेलिए मतलब थोड़ा सा टाइम जो है ना मतलब कुछ अपने इन कामों में लगाइए जो आपको पसंद है उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है वो आ, मतलब एक पावर आ जाता है खुशी मिलती है ना तो हम काम को और अच्छे से कर पाते हैं बिल्कुल स्ट्रेस लेके आप 24 घंटे अगर टेंशन लेंगे ना पढ़ाई की तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा मुझे जब टेंशन हो जाती है तो मैं वो काम करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है मैं गार्डनिंग एवरी डे बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हूँ उसमें तो आप लोग थोड़ा सा अगर स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं तो वैसा कुछ करिए उससे आपको अच्छा लगेगा नहीं मैं रनिंग के लिए नहीं गई थी आज आप हंस दी मतलब आपको पता है कि ये मैडम बोल रही हैं लेकिन गई नहीं बट मैं कोशिश करूँगी मैंने वॉकिंग शुरू कर दी है लेकिन अंजलि जी वॉकिंग तो मैंने शुरू कर दी है और ज्योति जी गुड इवनिंग बबीता जी गुड इवनिंग अमनदीप जी गुड इवनिंग तो बलराम जी अरे वाह आज तो काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए आज पढ़ाने में मज़ा कुछ और ही होगा तो अंजलि जी के कारण मेरी वॉकिंग शुरू हो गई काफ़ी दिन से बंद थी तो ये थोड़ा सा आप लोग अपना मतलब अप करिए खुद को अप करिए देखिए क्या होता है काम तो हमको करना ही है, है ना हम चिड़ के करें या खुशी से करें तो खुशी से ही करते हैं जब हमको करना है तो उससे क्या है एक अलग आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एक अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी और काम करने में आपको मन भी लगेगा और थोड़ा सा होता है कई बार एग्ज़ाम के पहले डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड मन नहीं करता है बोझ जैसा लगता है तो उसको सोचिए कि नहीं ये मुझे तो करना ही है पार्ट ऑफ लाइफ है कई चीज़ें बोझ लगती हैं लेकिन वही हमको आगे बढ़ाती हैं इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है बल्कि मुझे तो एक मोटिवेशन मिल गया और मेरी वॉकिंग तो शुरू हो गई ना कम से कम ये अच्छी बात है हाँ जी लेखनी जी मेहंदी रंगोली स्पोर्ट्स डेकोरेशन आपका नाम भी तो इतना ज़बरदस्त है लेखनी है और आप आ, मतलब रंगोली मेहंदी ड्राइंग ना करें मतलब आर्टिस्टिक ना हो नाम ही आपका आ, आर्टिस्टिक है तो काम भी आर्टिस्टिक ही होंगे आपके मालती जी वेरी गुड इवनिंग जरीन जी गुड इवनिंग बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों का आता है कमेंट भी और ईवीएस देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करने को बहुत कुछ है तो मुझे तो सबसे अच्छा ईवीएस ही लगता है सब्जेक्ट पढ़ने में भी अच्छा लगता है पढ़ाने में भी, भी बहुत मज़ा आता है हाँ जी सी की तैयारी आप देखिए मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनसे मैंने काफ़ी सारे करवाए हैं अभी आगे और करवाऊंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे ठीक है तो जो बेसिक क्वेश्चन थे जिनमें से बार बार रिपीट होते हैं उस तरह के क्वेश्चन तो मैंने कराए ही हैं आपको ठीक है और इन्हीं को आप रिपीट करिए और भी आप देखते हैं कि जो पिछले मैंने क्लासेस लिए हुए हैं उनको भी आप रिपीट करके देखिए तो आपको तैयारी आपकी चलेगी और सारे सब्जेक्ट में देखिए एक सब्जेक्ट में आप फोकस करेंगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपको नंबर गेन नहीं हो पाएगा आपको सभी सब्जेक्ट में अपना हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब क्लास स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे आ गए पाँच से सात मिनट हम लेते हैं और ये हमारी जो टीम है इससे मिल लेते हैं पहले वर्षा मैडम सोशल सोशल स्टडीज़ लेती हैं नाइन ए एम पर चंद्रशेखर सर जो हैं ये मैथ्स की क्लास लेते हैं टेन ए एम पर और जो पूछ रहे थे मुझे कि साइंस की जो है पेपर टू की जो तैयारी कर रहे हैं ठीक है साइंस के लिए चंद्रशेखर सर जो हैं मैथ्स के साथ साथ साइंस की भी क्लास ले रहे हैं और एम करा रहे हैं तो इनकी क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा ज्वाइन करिएगा इनके क्लास में तो आपको पेपर टू की भी तैयारी हो जाएगी ठीक है सुखवंती मैम जो है इंग्लिश की क्लास पहले एक बजे लेती थी बट अब इनकी टाइमिंग चेंज होकर के सात बजे हो गई है शाम को जस्ट मेरे क्लास के बाद सुखवंती मैम की क्लास इंग्लिश की क्लास होगी ठीक है और संस्कृत की जो है वो क्लास अभी नहीं हो रही है पहले हो रही थी बट बच्चे नहीं आ रहे थे तो उसको बंद कर दिया गया है सी की क्लास जो है वो रितु मैडम लेती हैं तीन बजे आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं टेन पी पर और आई एम सोनाली योर रिवियस टीचर और हमारी जो टाइमिंग है वो है सिक्स टू सेवन पीएम ठीक है सुखवंती मैम जो है वो सात से आठ क्लास ले रही हैं शाम को ठीक है संस्कृत के लिए तो क्लासेस हो नहीं रही हैं और पिछली क्लासेस हैं आप अगर जाएंगे तो इस आपको फिलअप फॉर्म में ही जो संस्कृत की क्लासेस हो रही थी वो आप देख सकती हैं उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगा और साइंस की क्लास जो है आप चंद्रशेखर सर की क्लास अटेंड करेंगे तो आपको उस पर पता चल जाएगा कि किस किस दिन वो मैथ्स ले रहे हैं और किस किस दिन वो साइंस पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी पूरी क्लासेस और सिलेबस एक बार देख लीजिए कई लोगों को सिलेबस में डाउट रहता है साइंस का टाइम जो है वो जो आपके मैथ्स का टाइमिंग है उसी टाइम पर ही वो साइंस की भी क्लास ले रहे हैं उन्हीं क्लास के बीच में वो मैथ्स के साथ साथ साइंस भी करा रहे हैं ठीक है तो चंद्रशेखर सर की आप क्लास ज्वाइन करिए उसमें जो भी आपकी क्वेरी रहेगी रिलेटेड टू साइंस वो आप पूछ सकते हैं वो आपको क्लियर कर देंगे तो एमसीक्यू के थ्रू अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आप लोग के लिए सफिशियंट होगी साइंस के कुछ क्वेश्चन मैंने भी कराए थे जो पेपर टू में आएंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चन मुझे भी भी मिले थे तो मैंने भी इसमें कराया हुआ है 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 आप लोगों को ठीक फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमोस्फियर ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है फोटोमीटर ऑक्सीनोमीटर हाइग्रोमीटर उपरोक्त में से कोई नहीं आपका टाइम शुरू होता है जल्दी जल्दी आंसर करिए और इसका आंसर जो है वो है सी जिन्होंने भी सी आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी ने अभी तक तो वेरी गुड बहुत लोग का आंसर सी ही आ रहा है आज जो सब टाइम से आ गए हैं उनके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और जो लेट आएंगे उसके एक एक मार्क्स कट हो जाएंगे टोटल में से टोटल भी अपना करते जाइएगा साथ साथ कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट सभी ने सी आंसर किया है तो यहां पे आप लोगों को मेरे ख्याल से किसी भी तरह का को कोई नहीं है है ठीक तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वॉट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज सस्टेनेबल किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ रूप से जाना जाता है वह जिसमें सभी प्रजातियां संतुलन में हैं वह जिसमें कोई जानवर नहीं है वह जिसमें जानवर एक दूसरे को खाते हैं या ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ रूप से जाना जाता है मतलब एक सस्टेनेबल है कि हां ये पारिस्थितिकी तंत्र है फटाफट आंसर करिए <coughs> ध्यान से देखिए और इसका आंसर जो है वो है ए काफ़ी कम लोगों ने ए आंसर किया है सिर्फ बलराम जी का ही आंसर मुझे दिख रहा है जो ए है बाकी सब कन्फ्यूज़ हो गए हैं पता नहीं क्यों इसको फटाफट थोड़ा क्लियर कर देते हैं लखन जी का भी आंसर सही है देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ डी ये सभी तो ये सभी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सभी में आपका जो बी ऑप्शन है वो आ जाएगा बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसमें बी ऑप्शन में क्या लिखा है जिसमें कोई जानवर नहीं है बिना जानवर के पारिस्थितिकी तंत्र कैसे हो सकता है ये तो मतलब उसमें पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है फूड चेन उसमें अहम हिस्सा है तो इसमें कैसे हो सकता है ये बताइए आप है ना तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल ही क्योंकि बिना जानवर के तो हो ही नहीं सकता फूड चेन पॉसिबल ही नहीं है वह जिसमें जानवर एक दूसरे को खाते हैं ठीक है कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं होगा लेकिन सबसे पहला जो इसमें ए है वह जिसमें सभी प्रजातियां संतुलन में हैं अर्थात सभी प्रजाति जो हैं वो संतुलित रहेंगी बैलेंस में रहेंगी मतलब कैसा होगा देखिए कि ऐसा नहीं है कि शेर जो है पूरे हिरणों को खा जाएगा हिरणों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है शेरों की संख्या कम रहती है तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है शेर हिरणों को खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिरणों को वो खा लेते हैं और शेरों की संख्या बहुत होती है नहीं तो वो यही बैलेंस होता है कि जानवर प्रॉपर उनको खाने भी मिलते रहते हैं और किसी भी जानवर की संख्या बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम नहीं होती है इसको क्या कहा जाता है संतुलन बैलेंस तो इसका नंबर ए जो है वो राइट right आंसर होगा जिसमें सभी प्रजातियां जो है वो संतुलित रूप में होती हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ द सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ न्यू एरिया इज नोन एज ध्यान दीजिएगा नए क्षेत्र में प्रजातियों की सफल स्थापना की प्रक्रिया को कहा जाता है ये नाम होता है उस प्रक्रिया का क्लाइमेक्स सेरे एसे या इनवेशन चर्मोत्कर्ष सेरे एस या आक्रमण एक नए क्षेत्र में प्रजातियों को ले जाकर के स्थापित किया जाता है किसी भी तरह की प्रजातियों को फटाफट आंसर करिए वेरी गुड फटाफट आंसर तो आ रहे हैं राइट आंसर इज सी ठीक है एस 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 ज्यादातर सभी के आ गए हैं आंसर सही और नए क्षेत्रों में क्या किया जाता है जैसे कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उनको सूटेबल लगता है ठीक है लेकिन क्या होता है कभी कभी उनको कुछ अलग जगहों पे भी ले जाकर के बसाया जाता है तो वहाँ पे अगर उनकी स्थापना की जाती है उनको रखा जाता है केयरफुली और वहाँ उनके ग्रोथ अच्छे से हो जाता है है ना तो ये जो प्र उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके उन प्रजातियों को सफल रूप से जो स्थापना की जा रही है इसी को कहा जाता है एस 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 या इसको हिंदी में आस्थापन भी कहा जाता है हिंदी में एक्चुअली कई बार हम जब चेंज करते हैं और पीपीटी तैयार करते हैं तो हिंदी नहीं छपता है तो हिंदी शब्द इसके लिए हो जाता है आस्थापन जैसे आप नोट अगर बना रहे होंगे तो उसमें ये शब्द लिख लीजिए हिंदी में आस्थापन हो सकता है एग्जाम में आपका आस्थापन लिख कर क्या है तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या है तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों को जरूर नज़र दौड़ाइएगा कई के क्या होते हैं हमें हम हिंदी मीडियम से होते हैं बट हमको उसकी इंग्लिश पता होती है हिंदी में ऐसा होता है कि कई बार वर्ड्स बहुत कठिन होते हैं तो इंग्लिश पता होती है इंग्लिश ज्यादा आसान होती है तो आप कोशिश करिएगा कि भले आप हिंदी मीडियम से हैं बट इंग्लिश के क्वेश्चन को भी आप जरूर एक बार अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको जरूर पढ़िएगा काफी आसान हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं an निम्नलिखित में से कौन वन संरक्षण विरोधी गतिविधि है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों का संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ फायर आग का संरक्षण क्लियर फीलिंग स्पष्ट कटाई इकोनॉमिकली लंबरिंग लकड़ी में अर्थव्यवस्था क्यों नहीं ऑन होगा आंसर uh, है सी इसका uh, गुंजन जी को प्रॉब्लम आ रही है क्यों uh, मैं तो शेयर ही करती हूं जो मेरे uh, परिचय में जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनको सबको मैं लिंक शेयर करती हूं लिंक ओपन करते हैं तो हमारी क्लास आ जाती है उनके पास तो अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आंसर स्क्रीन पे आने के पहले आपको फटाफट आंसर करना है ठीक है आंसर आने के बाद आप आंसर नहीं करेंगे तब कोई फायदा नहीं है ठीक है स्पष्ट रूप से अगर कटाई करते हैं तो वो क्या होगा आपका वन संरक्षण विरोधी गतिविधि है मतलब आपने संरक्षण नहीं किया है है ना क्योंकि हमको क्या बताना है विरोधी गतिविधि बताना है तो जंगली जानवरों का संरक्षण तो एक संरक्षण वाली चीज होगी विरोधी तो कोई चीज नहीं है आग का संरक्षण करना मतलब जंगल को बचा रहे हैं ये भी ठीक है लकड़ी में भी अर्थव्यवस्था देखनी है कि भाई लकड़ी को हम इस तरह से ना काटें तो ये भी हो गई और सी जो है स्पष्ट रूप से कटाई जो कर दी जाती है ये हो जाता है तो आप जिनको भी भेजना चाहते हैं बलराम जी मैं आपको बता दूं और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनेंगे कि आप लिंक शेयर कर दीजिए और जब आप देखते हैं हमारी वीडियो के तो उसमें लिंक शेयर का ऑप्शन आता है तो शेयर आप करिए जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो उसके नीचे आप जहाँ से कमेंट कर रहे हैं कमेंट के बगल में लिंक का भी शेयर का भी ऑप्शन रहता है है ना तो वहाँ से आप शेयर कर दीजिए तो वो शेयर हो जाएगा आपके जो भी फ्रेंड्स फैमिली होंगे उनके पास वो चला जाएगा और बस वो फिर लिंक को क्लिक करेंगे तो क्लास लाइव क्लास अटेंड कर लेंगे और उनको बोलिए फिलअप फॉर्म वो अपना सब्सक्राइब कर लें तो जब भी वो लाइव क्लास लिखेंगे फिलअप फॉर्म की तो जो लाइव क्लास चलती होगी वो ओपन हो जाएगी उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विज वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट कौन सा वनों का विनियामक विनियामक सॉरी कार्य का प्रतिनिधित्व करता है भंडारण और गैसों की रिहाई मतलब स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस प्रोडक्शन एंड एसेंशियल ऑयल आवश्यक तेलों का उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ वुड लकड़ी का उत्पादन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉयल पानी और मिट्टी का संरक्षण तो ये कौन सा फंक्शन एक होता है ये फंक्शन को ध्यान दीजिएगा क्या फंक्शन करती है वो <coughs> आंसर है इसका ए देखिए आंसर आ चुका है स्क्रीन पे और देख के भी कई लोग गलत कर रहे हैं और आंसर आने के बाद आपको आंसर नहीं करना है फटाफट पहले आप लोग आंसर करिए ठीक है देखिए इसमें भंडारण गैसों की रिहाई का मेन जो फंक्शन होता है आप ज, वनों के बारे में हम देखते हैं तो जो आपका आ, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो जंगलों के कारण ही होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिलीज ऑफ गैस है ठीक है पानी और मिट्टी का संरक्षण भी होता है गलत ये भी नहीं है लेकिन जब इस तरह का ऑप्शन आता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम क्या देखते हैं हमेशा मैंने आपको क्या बताया है कि जो ऑप्शन ज्यादा नजदीक हो आंसर के हम उसको टिक करते हैं तो इसमें देखिए पानी और मिट्टी का संरक्षण तो होता ही है जंगलों से ये तो कार्य है ही लेकिन मेन जो कार्य है वो क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल करके रखना तो भंडारण कितना मात्रा में जो गैस है उसकी रिलीज होना है ये पेड़ों पर ही निर्भर करता है तो ये क्या करता है हमारा जो ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वो इसलिए तो बढ़ रही है कि हम पेड़ काट रहे हैं तो बैलेंस बिगड़ जा रहा है तो ये सबसे पहला काम वनों का होता है कि वो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बैलेंस करती है तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है वो सबसे पहले जो है वो ट्रिगर करेगा सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा ठीक है जब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि उपरोक्त में से सभी तब आप उपरोक्त में से सभी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं तो लेकिन जब आपको एक चुनना होता है तो आप जो एक, आ, आंसर के सबसे नजदीक होता है आप उसको चुनते हैं तो हमेशा वनों का काम क्या होता है जो हमारे वातावरण में जो हवा है है ना जिस भी तरह की गैसेस हैं उनको कंट्रोल रखना सबसे मेन काम है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओजोन होल मीन्स ओजोन छेद का अर्थ है या ओजोन छिद्र का अर्थ है अ लार्ज साइज ऑफ होल इन ओजोन लेयर ओजोन परत में एक बड़े आकार का छेद थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ओजोन परत का पतला होना स्मॉल होल्स स्क्रैच्ड इन द ओजोन लेयर ओजोन परतों में बिखरे छोटे छेद या थिकनिंग ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर ओजोन परत में ओजोन परत का मोटा हो जाना फटाफट आंसर करेंगे जल्दी आंसर करिए स्क्रीन पे आंसर आने के पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए अंजलि जी का बी आया ऑप्शन रोहित जी का भी आ गया और आंसर बी ही है वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उन सब का नंबर जो है वो पक्का हो गया है ना तो देखिए हम कहते तो उसको है कि भाई ओजोन में जो लेयर है हमारी ओजोन लेयर वो उसमें क्या हो गया है होल हो गया है बट वो होल ऐसा नहीं होता है कि उसमें छोटे छोटे आपको छेद दिखाई देंगे बल्कि रियल में क्या होता है ओजोन की जो परत होती है वो पतली हो जाती है ठीक है तो ये पतली हो जाना क्या होता है कि लेयर होती है है ना वो लेयर मोटी या पतली मतलब वो जो आ, गैस जो वहाँ पे होगी ओजोन की जो गैस है वो कम या ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था सभी घर पे रहने लगे थे और बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी जिसके कारण क्या हुआ था बहुत सारा पल्यूशन लेवल जो है वो कम हो गया था पल्यूशन लेवल कम होने के कारण जो हमारी ओजोन लेयर में जो होल है वो बढ़ रहा था जो हम सुनते थे कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं कई सारे बढ़ रहे हैं होल्स होल्स बड़े हो रहे हैं तो वो क्या हो गया था काफी हद तक जो है रिपेयर हो गया था क्योंकि जो हमारा पोल्यूशन था वो लेवल कम होने से वो जो ओजोन की जो लेयर पतली हो गई थी एक्चुअली वो क्या हो गई थी पतली हो गई थी जो वापस क्या होने लगी कंट्रोल आने लगी और उसका जो पतलापन है वो कम हो गया कहने का ये तात्पर्य था ठीक है तो इसका जो आंसर है वो होगा बी ओजोन परत का पतला होना थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर क्लियर है आप सभी को गलतियां मत करिएगा इसमें आगे बढ़ते हैं सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मृदा अपर्दन रोका जा सकता है मतलब मिट्टी का कटाव रेजिंग फॉरेस्ट वनों को उगाने से डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई से एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स पशुओं द्वारा अति चारण द्वारा बहुत इजी है फटाफट आंसर आना चाहिए सबका रोशनी जी का आंसर आ गया बाकी लोग भी आंसर करेंगे जल्दी वेरी गुड बलराम जी बबीता जी अंजलि जी जरीन जी वेरी गुड बहुत अच्छा सब ने सही आंसर किया है ऑलमोस्ट तो बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड सबके नंबर पक्के हो गए अरे आज माही जी नहीं दिखाई दे रही हैं शाहीन जी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और दीपक जी पता है आज चुपचाप आए हैं और उन्होंने शुरू से क्लास नहीं अटेंड की है उनके एक नंबर तो मैं पहले ही काट लूँगी वो लेट आए हैं आज भी बिल्कुल शुरू से क्लास में वो नहीं थे तो एक नंबर आपके पहले ही काट रही हूँ मैं सब नंबर अपने जोड़ रहे हैं ना तो एक नंबर कटे क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि मैं टाइम से आ जाऊंगा वेरी गुड तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर जो है वो सही आया है तो वनों को उगाने से है ना मृदा के अपर्दन को मतलब मिट्टी के कटाव को या सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है प्रिवेंट किया जा सकता है कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है किसी को आगे बढ़ते हैं वॉट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कवर टू ओजोन यदि पर्यावरण में ये सिर्फ सोचा जा रहा है अगर ऐसा होगा तो यदि पर्यावरण में मौजूद सभी ऑक्सीजन को ओजोन में बदल दिया जाए तो क्या होगा वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर हम और अधिक संरक्षित होंगे यह पॉइजनस हो जाएगा जहरीला हो जाएगा जीवित रूपों को मार देगा ओजोन जो है स्थिर नहीं है इसलिए जहरीला होगा हानिकारक सूर्य विघनों को पृथ्वी तक पहुंचने और कई जीवन रूपों को नुकसान पहुंचाने में मदद करेगा फटाफट आंसर करिए आंसर इसका है बी तो ओके माही जी को फीवर हो गया है अभी थोड़ा मौसम भी बदल रहा है डी और बी में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कुछ डी कर रहे हैं कुछ बी कर रहे हैं आंसर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए क्या होता है ओजोन जो है उसकी जो ऊपरी परत है, है ना कल मैंने दिखाया भी था कि किस तरह से लेयर होती है ओजोन की तो ओजोन की जो ऊपरी लेयर होती है जो वायुमंडल में बाहरी ओर होती है जो कि क्या करती है हानिकारक जो विकिरणें होती हैं सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको हमारे तक आने से रोकती हैं और वही हमारे को कई तरह की स्किन में प्रॉब्लम होने से कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं डायरेक्ट अगर हमको वो मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी ठीक है लेकिन इसमें क्या होगा कि जो जमीनी जो ओजोन है वो हमारे सीधे क्या होगी सांस में जाएगी इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा क्यों क्योंकि ये जहरीला हो जाएगा ओजोन जो है सांस के लिए उपयुक्त नहीं है ठीक है अगर ये शरीर में हमारे सांस के साथ जाएगा ऑक्सीजन के रूप में हम जैसे लेते हैं उसकी जगह ओजोन लेने लगें तो क्या हो जाएगा हम सब जिंदा नहीं बचेंगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सीधी सी बात है ऑक्सीजन की जगह आप ओजोन को ना लेकर के आप कोई भी दूसरी गैस ले लीजिए ओजोन को ही लेने की जरूरत नहीं है ठीक है यदि पर्यावरण में ऑक्सीजन को हटा करके आप किसी भी तरह की दूसरी गैस को अपने सांस में लेने की कोशिश करेंगे तो क्या आप जीवित बचेंगे कभी जीवित नहीं बचेंगे तो इसलिए इसका ऑप्शन सीधे सीधे यही होगा कि वो हमारे लिए क्या होगा जहरीला हो जाएगा और हम जीवित जितने भी रूप हैं, सब हम क्या हो जाएंगे मर जाएंगे ठीक है सीधी सी बात है इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ओजोन को ही इसमें ऑप्शन मिलें <coughs> थैंक यू रोशनी जी तो आगे बढ़ते हैं किसी को कोई डाउट तो नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं द फंक्शन आस्पेक्ट ऑफ द इको सिस्टम ऊर्जा चक्र मतलब एनर्जी साइकिल न्यूट्रंट चक्र पोषक चक्र जो होते हैं फूड चेन खाद्य श्रृंखला ऑल ऑफ अव उपरोक्त सभी बहुत इजी है ये आंसर फटाफट करिए वेरी गुड सबके तो आंसर फटाफट आ रहे हैं आज बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक लेके आ आज आए हैं मेरे स्टूडेंट्स वेरी गुड ऐसे ही रोज़ आप लोगों को एनर्जेटिक रहना है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है राइट आंसर इज डी वेरी गुड नाइस तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो एक बार जाइए और जाके लाइक like बटन में भी प्रेस कर दीजिए और मुझे लाइक किए बिना कोई मत जाइएगा है ना कम से कम जितने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उतने लाइक like तो मुझे मिलने चाहिए और कोशिश करिए कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए जिससे कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं रोटेट करके आपके पास पहुँचाऊँ तो किस दिन की क्लास में कौन सा क्वेश्चन आपको ट्रिगर कर जाएगा और एग्जाम में आपके वो आ, आ जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप रोज़ क्लास अटेंड करेंगे मन से अटेंड करेंगे तो कम से कम ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट कर जाएं बस मेरा यही टारगेट है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम में हिट कर जाएं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं वेरी गुड तो लाइक जरूर करिएगा आगे बढ़ जाते हैं हम टेंथ क्वेश्चन पे क्लियर है सभी को तो उपरोक्त सभी राइट right आंसर सबने किया हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन द हिमालयन माउंटेन रीजन is कॉल्ड ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट चौड़ी पत्ती वाले वन कॉनीफेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वन डेडियोस फॉरेस्ट पर्णपाती वन और नॉन non, नन ऑप मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं आप सभी का समय शुरू होता है अब जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी बहुत इजी है सबका आंसर सही आना चाहिए राइट आंसर इज़ बी वेरी गुड और सभी के आंसर सही हैं लगभग अभी तक तो किसी के गलत आए ही नहीं वेरी नाइस nice. बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी नाइस nice. सबके आंसर सही आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है और शंकुधारी वन मतलब आप लोगों ने देखा होगा जिसे नुकीले रहते हैं है ना इसलिए आप लोग के आंसर तो बिल्कुल सही आ रहे हैं तो कोई कन्फ्यूज़न भी इसमें नहीं है कॉनीफेरस मतलब शंकुधारी वन होते हैं नुकीले उनमें रहते हैं और ये क्यों होते हैं ताकि वहाँ जो बर्फ गिरती है वो बर्फ़ जो है इजीली स्लिप होकर के नीचे आ जाए अगर चौड़े पत्ते वाले वहाँ वन होंगे पेड़ होंगे तो पत्तों पे क्या हो जाएगा बर्फ़ जमा हो जाएगा और वो पत्ते सड़ने लगेंगे तो इस तरह के वहाँ पे शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं उनके उसी तरह के पूरे वन पाए जाते हैं जिसके कारण आसानी से क्या होता है जो बर्फ़ गिरती है तो वो स्लिप हो जाती है और हाँ तो स्लिप हो करके वो नीचे चली जाती है और जो पत्ते हैं वो डैमेज भी नहीं होते हैं बर्फ से और बाकी कुछ कंटीली कटीली नोकदार होती है जैसे सुई जैसे पत्ते रहते हैं उस तरह की रहती हैं मतलब किसी भी तरह से उसमें जो है बर्फ़ है वो जमा नहीं हो पाती है मेन रीज़न ये है ठीक है तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सबके लिए कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं थैंक्स टू ऑल और आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को तो, तो मतलब इतना आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो अवेलेबल कराएं थैंक्स टू ऑल रोज़ क्लास अटेंड करिए और ये आप लोगों को जहाँ भी जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसको ज़रूर मुझसे बेझिझक होकर के आप पूछें ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन वेरियस स्टेट ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल ध्यान देंगे भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है क्लोरीन, फ्लोराइड केमिकल्स मतलब रसायन या नन अव उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसमें ध्यान दीजिएगा भू जल की बात की गई है जमीन के अंदर के जो पानी होता है उसकी बात अंडरग्राउंड वाटर की इसका राइट आंसर जो है वो है बी थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर आ रहा है सबका इसको भी हम क्लियर करेंगे जो इसका सही उत्तर है वो बी है फ्लोराइड जमीन के अंदर का जो पानी है रसायन तो है लेकिन रसायन का नाम क्या है फ्लोराइड सबसे ज़्यादा कई राज्यों में जो है पाया गया है जो आ, क्या करते हैं रिसर्च किया जाता है कई सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि रसायन तो है ही है लेकिन उस रसायन का नाम है फ्लोराइड जो ज़मीन के अंदर जो पानी है अंडरग्राउंड लेवल पर जो है पानी वो वाटर जब यूज़ करते हैं तो उसमें फ्लोराइड कई जगह के पानी के जो हैं वो सैंपल लिए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो भी अब क्या हो गया है कई एरियाज़ में पीने के लिए सेफ़ नहीं है दो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज़मीन के अंदर के पानी की बात की जा रही है इसमें भी आप लोग डिफरेंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ, आ, आएगा जो वो भी रिलेटेड है इसी से लेकिन इसमें जो है आप देखेंगे कि ये ज़मीन के अंदर के जो पानी है उसकी बात की जा रही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफर करेगा बट आपको याद रखना है कि जमीन के अंदर जो पानी मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है हमें फ्लोराइड मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या है पीने के पानी में मौजूद कौन सा तत्व विभिन्न घातक बीमारियों का कारण बन सकता है ये एक अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात नहीं की जा रही ये जो पीने का पानी है उसकी बारे में बात, बात की जा रही है ये कई एरियाज में जैसे लोग आसपास से पानी ले आते हैं तालाबों वगैरह से और पानी पीते हैं तो उसमें क्या मिलता है ठीक है तो कई एरियाज़ में ये प्रॉब्लम आती है कैल्शियम आर्सेनिक फॉस्फोरस उपरोक्त में से कोई भी नहीं ये काफी घातक होता है और इसका राइट आंसर है बी ठीक है आर्सेनिक ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है और अगर कहीं ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो मेंटल हेल्थ पे भी ये इशू बन जाता है तो कई जगहों पे जो है आर्सेनिक आ रहा है जिसके कारण लोग क्या होते हैं मेंटली भी कई तरह से वीकनेस उनमें आ जाती है ठीक है ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वो लूज कर देता है ठीक है तो मोस्टली आप लोगों का आंसर ज्यादातर लोगों का सही आया है वेरी गुड तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात की जाएगी तो आपका फ्लोराइड आ जाएगा और पीने के पानी की बात की जाएगी अगर ऐसे नॉर्मली आ रहा है पानी कहीं पे पीने का पानी नॉर्मली सोर्स से यूज़ करें दैट इज़ आर्सेनिक होगा ठीक है ये क्लियर आपको होना चाहिए इसलिए मैंने ऑलमोस्ट दोनों को साथ साथ ही रखा है ये याद रखिए साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए ताकि आपको याद रहे अपने नोट्स जो होते हैं ना उससे बेटर और कुछ नहीं होता है हम साथ साथ मैं जो पढ़ा रही हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ उसको आप लोग नोट जरूर करिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पोलूशन वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड विनियम और मानक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग परिवहन योजना यूजिंग सीएनजी एंड फ्यूल सीएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग करना ऑल ऑफ दिस ये सभी बहुत इजी है फटाफट आंसर करिए थर्टीन का आंसर आना शुरू हो गया है hmm. वेरी गुड और इसका राइट right आंसर भी डी है आप सभी ने डी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर आपका है वेरी गुड बहुत अच्छा तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है सबके आंसर राइट हैं कि हम लोग को ये सारे नियमों को पालन करना चाहिए जिससे कि क्या होगा वायु प्रदूषण जो है उसको हम कम कर सकते हैं पूरी तरह से तो रोकना मुश्किल है लेकिन हाँ हम कुछ कम कर सकते हैं आप लोग को एक बार और बताऊं कि कोरोना के टाइम में जैसे मैंने ओजोन लेयर की बात की थी वो पोल्यूशन लेवल जो डाउन हो गया था तो ओजोन लेयर जो है वो रिपेयर हो गई थी उसी तरह से वायु प्रदूषण भी काफ़ी कम हो गया था डेली का आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्कूल बंद करने की नौबत आ जाती है इतना पोल्यूशन लेवल हाई हो जाता है और वहाँ पे अस्थमेटिक जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है वैसे तो हर तरह का पोल्यूशन है वहाँ पे कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रह गई है तो एयर पोल्यूशन का ये हाल हो जाता है कि स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है स्मोक का भी प्रॉब्लम आता है और ठंड के वक्त क्या होता है कोहरा भी होता है और साथ ही साथ जो प्रदूषण लेवल है वो भी क्या हो जाता है बहुत हाई हो जाता है तो ये जो तीनों चीज़ हैं किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि भाई आपको जो है पोल्यूशन लेवल को जो है वो चेक करा करके तब आपकी गाड़ी में एक लगा दिया जाएगा कि भाई आपने चेक करवाया है धुआं तो नहीं निकल रहा ये सारी चेकिंग होती है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बनाए जाते हैं इनको फॉलो जो करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है हम सभी के लिए वो अच्छा है परिवहन में कई तरह की योजना बनाते उस टाइम आपने देखा होगा कि ऑड इवन वाला जो चल रहा था कि जिनके ऑड नंबर वाली गाड़ी है वो आज चलेगी जिनकी इवन नंबर वाली गाड़ी है वो कल चलेंगी तो ऑड इवन कर दिया था सिस्टम वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहा और सी तो शुरू से ही फ़ायदेमंद रहा है ठीक है ना तो ये सभी जो है इसमें ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं द टर्म एनवायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मींस इज एन सर्कल और सराउंड एनवायर आइकोस जियो या एक्वा एक्वायरन ओकोस जियो और एक्वा पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है घेरना बहुत इजी है ये भी यहाँ क्लियरली ही शो हो रहा है कि ए जो है वो राइट right आंसर होगा है ना क्योंकि हिंदी में वो पर्यावरण पूरा ले लिया है एनवायरन से ये बना है ये जो वर्ड है एनवायरन ठीक है ये फ्रेंच वर्ड है दिस इज द फ्रेंच वर्ड एनवायरन और इससे क्या हुआ है ये डिराइव्ड हुआ है मतलब इससे इसका शब्द का शुरुआत हुआ है इतना इजी होने के बाद भी कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं ये बहुत अजीब बात है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है ध्यान से देखिए ध्यान से क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जा रहा है इतना इजी क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट फैक्टर निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु कारक है प्रेशर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर दबाव आर्द्रता तापमान ऑल ऑफ अव उपरोक्त में से सभी प्रेशर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ऑल ऑफ above. कोई बात नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा जा रहा है सबके लिए इजी होना चाहिए इज द राइट आंसर और ऑलमोस्ट आप सभी के आंसर जो हैं सही हैं क्योंकि प्रेशर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ये तीनों ही बहुत जरूरी है ना एक क्लाइमेट के लिए ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है आज लग रहा है सभी अच्छे नंबर लाएंगे वेरी गुड आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्व इन माइनिंग खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल डिग्रेडेशन वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मिट्टी की गिरावट या ऑल ऑफ अव उपरोक्त में से सभी फटाफट इसका भी आंसर करिए राइट आंसर इज़ डी आप सभी सही भी हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम कोई माइनिंग का काम करते हैं तो वहाँ ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है और कई जगह इतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग होती है कि अगर वहाँ कोई पानी का स्रोत है नदी वगैरह आसपास में है तो उनमें वो चला जाता है गंदा और जल को भी प्रदूषित करता है और मिट्टी में तो गिरावट होती ही है क्योंकि सारा कुछ टूट फूट होता है खुदाई होती है तो कई जगहें कैसी हो जाती हैं बिल्कुल ढीली हो जाती हैं तो आसपास के जो लोग रहते हैं वहां पे भी जमीन के अंदर क्या हो जाती है जमीन जो है अंदर से खोखली हो जाती है क्योंकि माइनिंग कर ली जाती है तो इसके कारण अगर हल्का फुल्का भी भूकंप आता है तो वो सारा जो घर वगैरह है वो अंदर की तरफ धंस जाता है मिट्टी में क्योंकि अंदर से मिट्टी को वहां से खोखली कर दी जाती है खोद खोद के तो इस तरह से ये सभी जो हैं उपरोक्त डी जो ऑप्शन है वो सही होगा अ हरबी वोरस इज ऑल्सो नोन एज एक शाकाहारी कहा जाता है प्रोड्यूसर मतलब निर्माता फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर फर्स्ट ऑर्डर उपभोक्ता सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर यह भी बहुत इजी है ध्यान से क्वेश्चन देखिए सही आंसर करिए राइट आंसर इज बी ऑलमोस्ट सभी ने बी आंसर किया है तो जो पहला उपभोक्ता होगा वही शाकाहारी होगा क्योंकि देखिए निर्माता जो है वो हमेशा क्या होगा ग्रीन जो भी है पेड़ पौधे जो हैं वो आपके क्या होंगे प्रोड्यूसर होंगे उनको खाने वाला जो है सबसे पहले जो उनको खाएगा जैसे हो गए खरगोश वगैरह हो गए छोटे जानवर हो गए वो शाकाहारी ही होंगे है ना तो वो शाकाहारी जीव क्या होंगे फर्स्ट ऑर्डर जो उपभोक्ता होंगे मतलब जो प्रोड्यूसर जो भी उत्पाद बना रहा है पेड़ पौधे पत्तिया उसको खाने वाले वो फर्स्ट कंज्यूमर होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर जो है राइट right आंसर है ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो है वो राइट right हैं एक दो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं उनके लिए मैं इन्होंने क्लियर भी कर दिया है ठीक है तो प्रोड्यूसर क्या होगा आपका पेड़ पौधे होंगे हरे पेड़ पौधे और फर्स्ट ऑर्डर जो है उनको खाने वाले तो वो पहले शाकाहारी होंगे तो इनके बात कही जा रही है कि एक शाकाहारी जो हरबी बोरस है उसको क्या कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ दिस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रेजिंग फूड चेन इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं चरने वाले इसमें ध्यान दीजिए कि ये चरने वाले हो गए मतलब हरे वनस्पतियों को ही ले रहे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये लोग ठीक है आर एस जी प्राइमरी दे आर प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रेजिंग फूड चेन राइट आंसर इज डी और ज्यादातर लोगों ने डी आंसर किया भी है वेरी नाइस nice. बहुत अच्छा वेरी गुड सबका आंसर सही आ रहा है ये अच्छी बात है सब समझ रहे हैं चीज़ों को है ना सांप और मेंढक क्या हो जाएंगे चरने के लिए नहीं जाएंगे ना घास पत्ते तो खाएंगे नहीं वो और कीड़े हो गए और मवेशी हो गए तो ये लोग भी क्या है कीड़े जो हैं कीड़ों को भी खाते हैं कई सारे ऐसे कीड़े होते हैं और ईगल हो गए और सांप हो गए ये तो नॉन वेजिटेरियन है क्लियर ही है तो बचते कौन है गाय और खरगोश तो राइट आंसर इज डी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेज इज कॉमन एनर्जी सोर्स होता है इंडियन विलेजेस में भारतीय गांव में सामान्य ऊर्जा का स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी कोल सन वुड एंड एनिमल डंग बिजली कोयला सूर्य लकड़ी और पशु गोबर लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है सी और डी में डी इज द राइट आंसर तो मैं ये भी क्लियर कर देती हूं देखिए बिजली का तो सोर्स वहाँ होता नहीं है है ना कई गांवों में स्थिति ऐसी है कि वहाँ बिजली का सोर्स नहीं है कोयला भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है कई जगह या उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि खरीदें सूर्य तो सबके लिए अवेलेबल है लेकिन क्या वो सूर्य से खाना सोलर सिस्टम उनके पास है क्या कोई ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं है कि वो सूर्य का जो ऊर्जा है उसको लेकर के खाना बना सकते हैं है ना सूर्य की ऊर्जा तो वैसे तो सबके लिए है पर गांव में वो लोग सोलर जो सिस्टम है वो नहीं लगा सकते क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है उनके पास लगाने के लिए इसलिए इसमें जो है डी आंसर राइट होगा ठीक है लकड़ी और पशु गोबर उन लोग क्या करते हैं उसी का यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में सूर्य की रोशनी तो होती है लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाते हैं ये इसका राइट आंसर इसलिए डी हो जाता है क्लियर है सभी को आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी बायो रिजर्व आर प्रेजेंट इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा भारत में कितने बायो रिजर्व मौजूद हैं 41, 34, 14 और 18। ये भी रिसेंट जो है उसके हिसाब से आंसर है हमारा ये चेंज होता रहता है लेकिन अभी तक फिलहाल जितने हैं उस हिसाब से हमारा ये आंसर तैयार हुआ है राइट आंसर right है डी मतलब एटीन तो इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए याद रखिए और गलती मत करिएगा अब तक जो है वो टोटल एटीन है ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व ये ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है उस चीज पे जरा गौर करिएगा और फिर आंसर ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसका जो आंसर है वो है डी और अब आ गई आप लोगों के टोटल मार्क्स बताने का टाइम आ गया है तो किसने कितना आज मार्क्स जो है वो गेन किया है ऑपटेन किया है ट्वेंटी में वो मुझे फटाफट से बताएंगे क्लास तो खत्म हो गई हमारी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता दूँ कि वो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाए मिल जाएगा सारा वीडियो जो कि हमारे चैनल पे अलग अलग तरह से अवेलेबल है जो अलग अलग क्लासेस की हैं प्ले लिस्ट में आएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे ठीक है और अच्छे नंबर मिले हैं सभी को फिफ्टीन सेवनटीन ओके वेरी गुड समर जी फिफ्टीन पहले आएगा ट्वेंटी बाद में आएगा ठीक है इसको सही करिए जरीन जी का नाइनटीन हाईएस्ट टॉपर आज की है जरीन जी लग रहा है नाइनटीन मार्क्स इनको मिले हैं ज्योत्सना जी के भी सेवनटीन मार्क्स हैं वेरी गुड तो आज की हमारी जो क्लास में टॉपर रही हैं वो हैं जरीन जी है ना दीपक जी अटेंड नहीं कर पाया रिकॉर्ड देख सकता हूँ हाँ बिल्कुल देखिए रिकॉर्डेड तो देखिए ना रिकॉर्डेड तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं समर जी थोड़ी गलती कर रहे हैं देखिए जो मार्क्स आप ऑप्टेन करते हैं उसको पहले लिखा जाता है और फिर जो जितने टोटल मार्क्स होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है बलराम जी भी यही गलती कर रहे हैं इसको थोड़ा सही करिए आप लोग जो नंबर हमको मिलते हैं उसको पहले लिखा जाता है मतलब ऊपर लिखा जाता है और फिर ट्वेंटी को नीचे लिखा जाता है ठीक है इसको आप लोग सही करिए ये गलती मत करिए आप लोग भविष्य में टीचर बनेंगे तो आप लोग टेस्ट में कैसे मार्क्स देंगे बच्चों को तो इसको आप लोग सुधारिए अपना वेरी गुड तो आज सबके नंबर बहुत अच्छे रहे और ये अच्छी बात है कि सब ईमानदारी से अपने नंबर बताते हैं वेरी गुड कोई बात नहीं अगर एक गलती हुई है बट टॉपर तो आज की क्लास की जरीन जी ही हैं बहुत अच्छी क्लास रही थैंक्स टू ऑल और रेगुलर अटेंड करिए कल हमारी जो आ, क्लास होगी उसमें मैं कुछ और पैडागॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अभी तक हमारे कुछ दिन से कंटिन्यू कंटेंट ही चल रहे हैं तो कल जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो पैडागॉजिकल क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा कल की क्लास और जिनकी आज की क्लास मिस हो गई है वो क्या करेंगे दोबारा से वीडियो देख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको सारा कुछ फिर से मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आज की क्लास हम अब यहीं ख़त्म कर रहे हैं और कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कल की क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैडागॉजिकल क्वेश्चन होंगे तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा भाई जरीन जी के लिए सब ताली बजा के जाइएगा और मुझे लाइक ज़रूर करिएगा कोई भूलिएगा नहीं लाइक करना ठीक है जाने से पहले सब लाइक करिए माही ज़ीरो ले आई आप ठीक है कोई बात नहीं बहुत लेट हो गई आज माही जी चलिए कोई बात नहीं माही जी किसी कारण से आज क्लास अटेंड नहीं कर पाई हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है कल पैडागोजी की क्लास है ठीक है